हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रशांत रघुवंशी है और आज हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन का लेक्चर लेकर के आए हैं। ये बी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में है और जीपैट, सीएसआईआर, नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। देखिए, सेल जो होती है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेल का अपना एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और हर सेल की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद सेल या तो डिवीजन में चली जाती है या फिर सेल डेथ की तरफ बढ़ती है। ये डेथ सेल की अपनी डेथ होती है, उसके लाइफ साइकिल के कंप्लीट होने के बाद होती है। तो इस डेथ को प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस कहते हैं। अपने लाइफ साइकिल में सेल बाहर के इन्वायरमेंट से, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जरूरी नहीं हमेशा सेल के लिए एक पूरी तरह से अनुकूल हो, कभी कभी ये अगेंस्ट द सेलुलर नेचर भी हो सकता है, यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट अंदर के एनवायरनमेंट से काफ़ी अलग भी हो सकता है। ऐसे में सेल दो मैकेनिज्म के जरिए बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, या आप कह लीजिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए जद्दोजहद करता है। पहला मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। इसमें सेल एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखती है, बजाय कि बाहर का इन्वायरमेंट में चेंज होता रहे। अगर ये मैकेनिज्म फेल होता है तो एक सर्टेन रेंज तक सेल बाहर के इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडाप्टेटिव बनाती है, खुद को एडजस्ट करती है, इसको एडाप्टेशन कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस और एडाप्टेशन, ये दोनों चीज़ें हमें पढ़नी है। जब कोई सेल इन दोनों के थ्रू अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट से, यानी सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता, तो ऐसे में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर देता है, उसको चेंज कर देता है। और हर सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि एक सर्टेन रेंज से ज़्यादा चेंज होने पर उसके कंपोनेंट और उसका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर डैमेज होने लगता है, जिसको इंजरी कहते हैं। तो इंजरी कुछ और नहीं है स्टूडेंट, जब सेल एडाप्टेशन और होम्योस्टेसिस के जरिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एक बैलेंस क्रिएट ना कर पाए, अपने आप को एडजस्ट ना कर पाए, अपने आप के इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स ना रख पाए, स्टेडी ना रख पाए। ऐसी कंडीशन में सेल में जो चेंजेस आएंगे ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दीज आर नोन एज इंजरी। और इसकी वजह से सेल अनकंट्रोल्ड या अनप्रोग्राम सेल डेथ के तरफ चली जाती है, जिसको नेक्रोसिस कहते हैं। ये सारे टर्म हमको पढ़ने हैं। तो आप पहले तो इतना समझ लीजिए कि ये एक बड़ा चैप्टर है, इसके कई लेक्चर आएंगे, ये फर्स्ट लेक्चर है और सारे लेक्चर आप देखेंगे तभी आपको बहुत इंटरेस्टिंगली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ टर्म जो हमें पता होने चाहिए अगर हम ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहला टर्म है, अच्छा ये टर्म आपको पैथोफिजियोलॉजी और डिजीज में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। पहला टर्म है इटियोलॉजी, कॉज बिहाइंड डिजीज डेवलपमेंट। किसी भी डिजीज के डेवलपमेंट के पीछे जो कॉज होते हैं, जो फिक्स कॉज होते हैं जिनसे ये डिजीज होगी ही होगी, उस कंडीशंस को, उन फैक्टर्स को इटियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इटियोलॉजी के अलावा एक टर्म होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होता है? जिनसे डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का। इसका मतलब है कि लंग कैंसर स्मोकिंग से हो सकता है, गारंटी नहीं है। अगर गारंटी रहेगी तो इटियोलॉजी में उनको रखा जाएगा। इटियोलॉजी के सब टाइटल में आप रिस्क फैक्टर मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पैथोजेनेसिस, आप सब इससे फैमिलियर हैं, प्रोग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज।
तो कैसे कोई डिजीज प्रोग्रेस करती है बॉडी में और उसका डेवलपमेंट होता है, जैसे गोनोरिया के पैथोजेनेसिस में मैंने बताया था कि ओपीए, एलओएस और पिली मिल करके एडहेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या कहा जाता है, इम्यून सिस्टम के मॉलिक्यूल्स जनरेट होने लगते हैं। तो ये सारे सीक्वेंस को अगर आप लिखते जाएंगे, मेंशन करते जाएंगे, ओवरऑल कैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है, दैट इज़ नोन एज पैथोजेनेसिस। इपिडिमियोलॉजी, इपिडिमियोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फ्रिक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ का पॉपुलेशन के किस पार्ट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, कम इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसके साइंटिफिक स्टडी को इपिडिमियोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर 45 से 65 के एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ, सपोज करिए, तो मैंने एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को मेंशन कर दिया कि इनमें प्रिविलेंस या चांसेस ज़्यादा हैं। प्रिविलेंस क्या होता है बाद में आप समझेंगे, चांसेस ज़्यादा हैं इस डिजीज़ के। तो ये एक सर्टेन एज ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज इपिडिमोलॉजी। डिजीज क्या होती है, अब यहाँ स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि ज़्यादातर बच्चों को डिजीज, डिसऑर्डर और सिंड्रोम में डिफरेंस पता नहीं होता है, तो मैं यहाँ बता दूँ डिजीज क्या है। रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एक्सटर्नल फैक्टर एंड पैथोजेंस। तो बॉडी जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, ये पैथोजन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है जैसे आर्सेनिक, लेड, तो कुछ भी पॉइजन हो सकता है, इनके अगेंस्ट में बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी दैट इज नोन एज डिजीज। जैसे गोनोरिया में एक्सटर्नल फैक्टर नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट में बॉडी जो रिस्पॉन्स दे रही है दैट इज गोनोरिया डिजीज। डिसऑर्डर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है मैंने, सॉरी यहाँ पे होगा डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस और डिसअरेंजमेंट ऑफ बॉडी फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, इसको आप सही लिखिएगा, ठीक है। तो डिस्टरबेंस और डिसअरेंजमेंट ऑफ बॉडी फंक्शन, इट इज डायबिटीज एग्जाम्पल इसका है। जैसे कि बॉडी का कोई फंक्शन, देखिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है कि बॉडी का अपना कोई फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, डिसअरेंज हो जा रहा है, तो उसके वजह से जो कॉज या उसके वजह से जो सिचुएशन पैदा होगी दैट इज नोन एज डिसऑर्डर। जैसे डायबिटीज, डायबिटीज में क्या होता है, पैंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन नहीं बनता है या कम बनता है, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यह हमारे बॉडी का पैंक्रियाटिक बीटा सेल का डिसअरेंजमेंट या डिस्टर्बेंस है उनके फंक्शन का। चलिए सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम का अच्छा एग्जाम्पल है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम विच लीड्स टू एक्सटेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। देखिए समझिए, सिंड्रोम में आपको बहुत सारे सिम्टम्स या बहुत सारे ग्रुप प्रॉब्लम्स एक साथ जब जुड़ करके पर्टिकुलर डिजीज कॉज कर दें तो दैट इज नोन एज सिंड्रोम। सिंड्रोम में, किसी भी सिंड्रोम में, जैसे एचआईवी में ही है, एड्स सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के टी लिम्फोसाइट डैमेज होने लगते हैं। हालांकि इस पे पर्टिकुलर वीडियो अपलोड होगा, बट रफली मैं आपको बता दूं, एड्स में क्या होता है, हम बहुत सारे हमारे, देखिए हमारे लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी कई सारी डिजीज़ होने लगती हैं। जैसे कि अगर हमें एलर्जी है तो एलर्जी की चांसेस बढ़ जाएंगे, हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, लंग डैमेज कर सकता है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सिम्टम्स जब कलेक्ट हो जाएंगे तो दैट इज़ नोन एज सिंड्रोम। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनीशन मैं आपको बता दूँ, पहले तो ये टर्म समझिए, मैं ऑलरेडी आपको बेसिक बता चुका हूँ कि सेल जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के अगेंस्ट में खुद को स्टेडी बनाए रखता है और उसके लिए जो मैकेनिज्म यूज़ करता है उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। फिर से यहाँ बता दूँ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज होगा तो इंटरनल इन्वायरमेंट अपने आप को उस चेंज के अगेंस्ट में रजिस्ट करेगा, इसके लिए जो मैकेनिज्म यूज़ करेगा उसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं।
थोड़ा टफ लग रहा होगा बट अभी क्लियर हो जाएगा, बिना समझाए तो मैं मानूंगा ही नहीं। चलिए, तो होमियो का मतलब होता है सेम, और स्टीडी का मतलब होता है स्टैंड, तो सेम रखना, किसी कंडीशन को जैसी थी वैसी रखने के लिए जो जो चीज़ें की जाएं वो सारी क्या है, होम्योस्टेसिस। हाउ ह्यूमन बॉडी स्टैंड अगेंस्ट चेंज इन फिजियो केमिकल वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, पीएच, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा टू मेक देम सेम। तो जब भी देखिए, यहाँ ये समझिए, जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन धूप में खड़ा है, तो धूप में टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है, सपोज़ करिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करेगा, हमारे बॉडी को भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहेगा, बिकॉज लॉ ऑफ नेचर है कि नेचर में हर चीज़ इक्विलिब्रियम होना चाहती है। तो हाई टेम्परेचर अगर बाहर है तो बॉडी का टेम्परेचर भी हाई करने की कोशिश करेगा, ये लॉ ऑफ नेचर है, इसको हम बाईपास नहीं कर सकते। तो हमारे बॉडी के जो फिजियोकेमिकल पैरामीटर या वेरिएबल्स हैं, फिजियोकेमिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के वो सारे फैक्टर या कंडीशन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में चेंज होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है बॉडी की और केमिकल भी, इनको कलेक्टिवली फिजियोकेमिकल वेरिएबल कहा जाता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बॉडी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ब्लड का या बॉडी के किसी टिश्यू का पीएच हमारे बॉडी का एक केमिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोलाइट्स का होना, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में। तो जैसे भी बॉडी इस रेजिस्टेंस को रोकेगा, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल डिस्पाइट ऑफ चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बदलेगा लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज नहीं करेगा, तो इस पूरे मैकेनिज्म को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये ज़रूरी है यहाँ पे आप मेंशन करिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल, अदरवाइज सेल विल कोलैप्स और डाई। ठीक है, ऑल ऑर्गन जैसे ब्रेन, किडनी, लीवर एक्सेट्रा, ये सारे हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, दो बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको रेगुलेट करना। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत कुछ होगा, बट यहाँ पे इतना समझिए, ह्यूमन बॉडी जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के अगेंस्ट में अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखती है। अगर किसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया, तो हमारा ब्रेन जो है वो डैमेज करने लगेगा। इस कंडीशन को हाइपरथर्मिया कहेंगे। और अगर किसी वजह से हमारे बॉडी का, ऑर्गन्स का, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है 32 डिग्री 33 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, तो इस कंडीशन में हमारे बॉडी के कई ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे और इस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहेंगे। अब आपने देखा होगा कि लोग गर्मी में रहते हैं, गर्मी में टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, कई लोग ठंडी जगहों पर रहते हैं जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, 10 डिग्री 5 डिग्री तो इंडिया में भी बहुत जगह चला जाता है। तो ऐसे में कैसे हमारी बॉडी इस टेम्परेचर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के में जो टेम्परेचर है उसके चेंज के अगेंस्ट में अपने आप को स्टेबल रखती है, तो आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर जब फॉल करता है। जब भी टेम्परेचर फॉल करेगा स्टूडेंट, तो एरेक्टर पिली नाम की एक मसल होती है जो स्किन में डर्मिस, इपिडर्मिस के नीचे, यानी आप स्किन के नीचे जो मसल्स की लेयर है उसमें पाई जाती है। और ये इरेक्टर पीली मसल क्या करती है, हमारे रोए को, जो हेयर्स होते हैं हमारे स्किन पे, उनको स्ट्रेट कर देगी, उनको इरेक्ट कर देगी, उनको खड़ा कर देगी। दैट कंडीशन इज नोन एज गूज बम्प। इससे क्या होगा, देखिए आपको ठंड लगती है तो रोए खड़े हो जाते हैं, तो होगा क्या, जब गूज बम्प होता है
तो रोए जो खड़े हो गए हैं उनके बीच में हवा भर जाती है, हवा की एक लेयर बन जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और हमारे स्किन के बीच में। तो ये हवा जो है वो टेम्परेचर या हीट का बैड कंडक्टर है, तो हमारी बॉडी का हीट इन्वायरमेंट में जा नहीं पाता। देखिए इस वक्त बाहर का टेम्परेचर कम है और बॉडी का टेम्परेचर तो 37 है अभी मान लीजिए, तो क्या होगा अगर कुछ इस तरह का नहीं हुआ, तो हमारी बॉडी से सारी हीट निकल के बाहर जाने लगेगी, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर मैंने पहले ही बताया इक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरेट करना है लॉ का, नेचर का काम है। तो गूज बम्प के जरिए जो एयर की लेयर बन जाती है ये ट्रैप्ड कर देती है, और क्या करती है कि इसके वजह से बॉडी का टेम्परेचर, आप देखिए ठंडी जगहों पे पाए जाने वाले सारे एनिमल्स में हेयर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पोलर बेयर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो ब्लैक कलर का होता है बट उसके बॉडी पे वाइट कलर के इतने ज़्यादा हेयर्स पाए जाते हैं कि वो वाइट दिखता है। और दूसरा तरीका है स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी बढ़ा देना विदाउट एनी मूवमेंट। आपको कंपकपी होने लगती है, शिवरिंग होने लगती है। शिवरिंग क्या है? स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ा दी जाती है। यहाँ मैं ये बता दूँ स्टूडेंट, मैं पहले ही बता देना चाहिए था, ये सारा काम ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, वो ये सब करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम। चाहे टेम्परेचर कम करना हो चाहे बढ़ाना हो, हाइपोथैलेमस ये काम करता है। कैसे करता है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्लड के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, और अगर ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए एक्टिविटी करेगा, जैसे स्वेटिंग जो हम पढ़ने वाले हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए वो गूज बम्प और शिवरिंग करेगा। तो गूज बम्प तो आपको समझ में आ गया, शिवरिंग में क्या होता है कि जब, तो स्टूडेंट गूज बम्प आपको क्लियर हो गया, शिवरिंग में क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स में एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा तो वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लगेंगी, ऐसे में एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है। तो जब शिवरिंग होगी तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा स्केलेटल मसल्स में, और क्या होगा इससे हीट पैदा होगी, ये हीट हमारी बॉडी को हीट अप रखेगी क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस वक्त कम हो चुका है, तो हाइपोथैलेमस ये काम करेगा। अब अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया किसी वजह से गर्मी में, तो क्या होगा, तुरंत स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगी, सिक्रीशन होने लगेगा स्वेट का, ये भी हाइपोथैलेमस करता है, बट इसके लिए पूरा का पूरा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक सिस्टम दोनों, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक तरह से ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है बॉडी का, ये बिना हमारी मर्जी के बिना हमसे परमिशन लिए हमारे बॉडी को कंट्रोल करता रहता है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम एसिटाइल कोलिन है, इसके हेल्प से स्वेट के सिक्रीशन को, पसीने के बाहर आने के दर को बढ़ा देंगे। स्टूडेंट यहाँ एक चीज़ समझिए, फिजिक्स का फेनोमेना, जब परस्पिरेशन होता है तो हमारी बॉडी से पसीना निकल के इवापोरेट होता है, तो पहले वो पसीना हमारे स्वेट ग्लैंड से निकल के स्किन पे आता है, स्किन से इवापोरेट होता है, और जब भी वो पसीना इवापोरेट होता है तो उसके इवापोरेट होने के प्रक्रिया में बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी या टेम्परेचर यूटिलाइज हो जाता है, इसको लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन कहते हैं। तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है। आप देखिए आप जिम या एक्सरसाइज करते हैं, पसीना निकलता है, एकाएक कोई फैन चला दे या आप ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ पे फैन चल रहा हो, तो आपके परस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है या इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है, तो तुरंत आपको कपकपी होने लगती है बिकॉज सडन आपके बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है। तो इस तरह से जब बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन करता है। अब स्टूडेंट हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, दैट इज आयरन मेंटेनेंस। आयरन मेंटेनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आयरन लेवल मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो हमारे फूड का जो आयरन होता है ये फेरिक फॉर्म में पाया जाता है, फूड का आयरन फेरिक फॉर्म में पाया जाता है। फेरिक क्या है, एक क्या कहा जाता है इस पे, आयरन पे +3 चार्ज होता है, ठीक है, ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म है।
ठीक है, आयरन का। अब दिक्कत क्या है कि ये एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, क्योंकि जो फूड का आयरन होता है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए उसको रिड्यूस करके फेरस में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज Fe2+। तो खाने में जो हम आयरन खाते हैं उसमें फेरिक प्रेजेंट रहता है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ बहुत इंटरेस्टिंगली, जब भी हम आयरन खाते हैं तो फूड का जो आयरन है फेरिक फॉर्म में से एब्जॉर्ब तो होगा नहीं। तो यहाँ पे विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड या कोई और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है जो फूड के आयरन को फेरिक से फेरस में कन्वर्ट कर देता। तो एस्कॉर्बिक एसिड के हेल्प से या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि हमारी बॉडी में जो आयरन जाने के बाद ये फेरिक फॉर्म में ही रहता है और सेल्स जो हैं वो फेरिक फॉर्म में ही इसको एक्सेप्ट करती हैं। यानी खाते वक्त फूड का आयरन, खाने में जो आयरन मौजूद है वो फेरिक से फेरस में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड या किसी और रिड्यूसिंग एजेंट, और फिर डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाने के बाद फिर से ये फेरस से फेरिक में कन्वर्ट होता है, और फेरिक में कन्वर्ट होकर के ये बॉडी में स्टोर होता है, सेल्स में स्टोर होता है। अब यहाँ पे कई प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, बॉडी ब्लड आयरन जब डिक्रीज करता है, जब भी ब्लड में हमारे आयरन कम हो जाएगा, तो हेप्सिडीन नाम का ड्यूडेनल इपिथीलियम से बनने वाला एक फैक्टर, हेप्सिडीन प्रोटीन कम बनेगा। समझिए बात को, जब भी बॉडी या ब्लड में आयरन लेवल कम होगा तो हेप्सिडीन नाम का ड्यूडेनल इपिथीलियल फैक्टर कम हो जाएगा। इसके वजह से फेरोप्रोटीन एक्टिविटी बढ़ जाती है, फेरोप्रोटीन एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और फेरोप्रोटीन एक्टिविटी या फेरोप्रोटीन नाम का एक तत्व या केमिकल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये डाइजेस्टिव ट्रैक से ज़्यादा आयरन को एब्जॉर्ब करेगा। और जब भी आयरन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो फेरोप्रोटीन की एक्टिविटी कम हो जाएगी और हेप्सिडीन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ड्यूडेनम से और स्टमक से सॉरी आपके इंटेस्टाइन से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होने लगेगा। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हेप्सिडीन ड्यूडेनम से रिलीज होता है और ये फेरोप्रोटीन के एक्टिविटी को, उसके रिलीज को कंट्रोल करता है। जब भी आयरन ब्लड में कम होगा हेप्सिडीन का रिलीज ड्यूडेनम से कम हो जाएगा, जब भी हेप्सिडीन कम होगा फेरोप्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, फेरोप्रोटीन ज़्यादा तो आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा डाइजेस्टिव ट्रैक से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना आयरन खा रहे हैं, कितना आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतना ही एब्जॉर्ब होगा, और इसको कौन कंट्रोल करते हैं, हेप्सिडीन और फेरोप्रोटीन। ठीक है, कई लोग आयरन टैबलेट्स ज़्यादा खाते हैं या आयरन की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, सोचते हैं कि इससे ज़्यादा आयरन बॉडी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और यहाँ मैं ये बता दूँ, हेप्सिडीन और फेरोप्रोटीन में गड़बड़ी आ जाने पर या तो आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा या कम, एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, इसको हम लोग बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगा। ये एनीमिया और ब्लड के और डिसऑर्डर से रिलेटेड है, पॉलीसाइथीमिया और अदर डिसऑर्डर से। चलिए, अब ब्लड में आने के बाद आयरन जो है वो फेरिटिन नाम के फेरोप्रोटीन ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन बढ़ाया, लेकिन ब्लड में आने के बाद बॉडी में स्टोर होगा लीवर में और अदर ऑर्गन में, स्प्लीन में, फेरिटिन नाम के यूनिवर्सल इंट्रासेलुलर प्रोटीन के थ्रू। ये इंट्रासेलुलर है, यानी ये सेल में स्टोर नहीं करता है, ये एक प्रोटीन है जो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ पे आयरन को स्टोर करता है लीवर और स्प्लीन में। कौन सा प्रोटीन, फेरिटिन। अब क्या होगा जब सेल की बात करते हैं, चलिए आयरन की कमी थी, हेप्सिडीन कम हो गया रिलीज उसका और फेरोप्रोटीन बढ़ गया रिलीज, और आयरन एब्जॉर्ब हो गया, आयरन एब्जॉर्ब होने के बाद फेरिटिन में के साथ बाइंड हो गया, ये आयरन किस फॉर्म में है, फेरिक फॉर्म में है। ठीक है, बाइंड हो करके
इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर नहीं इंटरसेलुलर, सॉरी इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल्स के बीच में जाके स्टोर हो गया, सेल के अंदर अभी नहीं गया है। अब अगर किसी सेल के, बॉडी के किसी सेल को आयरन चाहिए तो क्या होगा, मान लीजिए सेल में आयरन का लेवल कम हुआ, डिक्रीज का साइन मैंने दिखाया है, तो आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, एक खास तरह की प्रोटीन होती है जिसको IREBP कहते हैं, आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, IREBP। ये आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट से बाइंड करेगा, ये आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बनाएगा, ये आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट जा करके mRNA से बाइंड करेगा, किसके mRNA से, एक और प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रांसफेरिडिन, ट्रांसफेरिडिन नाम के प्रोटीन से बाइंड करेगा, ट्रांस आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट जाके बाइंड करेगा ट्रांसफेरिटिन रिसेप्टार से, जिसकी वजह से ट्रांसफेरिटिन रिसेप्टार का नंबर बढ़ जाएगा। ट्रांसफेरिटिन रिसेप्टार जो है एक खास तरह का रिसेप्टार है जो ट्रांसफेरिन नाम की प्रोटीन से बाइंड करता है। ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो है ये आयरन को, जो ऊपर की हमारी प्रोटीन थी फेरिटिन, फेरिटिन से आयरन को लेकर के सेल को देता है। या आप ऐसे समझिए, जब आयरन को स्टोर करना होगा तो फेरिटिन प्रोटीन यूज़ होगी, जब आयरन को सेल को देना होगा, सेल में यूटिलाइज करना होगा, सेल को आयरन चाहिए स्पेशली ब्लड की सेल्स को, तो ट्रांसफेरिटिन प्रोटीन लेके देगा। फेरिटिन से ट्रांसफेरिन ले करके ट्रांसफेरिटिन रिसेप्टार को देगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, फेरिटिन से ट्रांसफेरिन लेगा, ठीक है, फेरिक आयरन को, और इसको किसको देगा, फेरिटिन रिसेप्टार को देगा, और आयरन का अपटेक बढ़ जाएगा। अब ट्रांसफेरिटिन रिसेप्टार ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा आयरन का अपटेक होगा, इसके लिए आपके आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट जाके ट्रांसफेरिटिन रिसेप्टार से बाइंड करता है। तो ट्रांसफेरिन जो है ये ट्रांसफेरिटिन रिसेप्टार से जुड़ रहा है, तो ट्रांसफेरिन जो है ये ब्लड प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फेरिक आयरन के सेल में एब्जॉर्प्शन के लिए या डिलीवरी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है, इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको ग्राफिकल दिखाऊंगा, और साथ में तीन और मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग, वो कौन कौन से हैं, मेंटेनेंस ऑफ शुगर लेवल, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड वॉल्यूम, और ऑस्मो रेगुलेशन, और उसके बाद निगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो कनेक्टेड रहिए, पहला लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर बहुत जल्दी रिलीज़ होगा, आपको एक दिन में दो लेक्चर मिलेंगे, दो या एक लेक्चर, और आपको 10 से 12 लेक्चर में पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स ये सब करिए, और अदर स्टूडेंट्स को भी बताइए। थैंक यू।